हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं गुणे की ट्रिक। दो संख्याओं का गुणा, या जैसे कि आप एग्जाम में देखते होंगे, आपको गुणे का बहुत सारा उपयोग करना पड़ता है, संख्याओं का आपस में गुणा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर टाइम बचा पाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैं आपके सामने गुणे की ट्रिक लेके आया हूँ, कैसे आप बहुत ज़्यादा जल्दी गुणा कर पाएंगे। जैसे कि अपन ट्रेडिशनल मेथड से गुणा करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम की कमी होती है, ठीक है। तो शायद आपके लिए ये वीडियो सुटेबल रहेगा, काम का रहेगा। तो देखिए कैसा लगेगा आपको, देखते हैं अपन। तो दो तीन तरीके से अपने को पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास दो संख्याओं का गुणा, पहली वाली ट्रिक जो है दो संख्याओं का गुणा, देखिए दो संख्याओं का गुणा, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल कोई भी आप संख्याएँ ले लीजिए, जैसे कि 42 × 34 का अगर आपको गुणा करना है, तो एक तो अपना नॉर्मल तरीका इसका इसमें गुणा करना, इसका जो बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ, देखिए मेरा जो शॉर्टकट है, इस नियम को इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं आप। पहला तीर का निशान, पहले तीर के निशान का अर्थ है इस संख्या का इसमें गुणा करना। देखिएगा 4 × 3 = 12 का 2 = 1, साइड में लिख लीजिए कहीं पर भी। दूसरा रूल है क्रॉस गुणा, तीर के निशानों पर जाइएगा तो मतलब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। देखिए 4 × 16 और 3 × 93, इनको अगर जोड़ा जाएगा तो 25 और 1 = 26, 26 का 6 = 2, क्लियर है। और तीसरा जो रूल है सीधा वापस गुणा, केवल ये नियम अगर आपने याद रख लिया, आप दो संख्याओं का गुणा मात्र 2 या 3 सेकेंड में कर लेंगे। तीसरा है 4 × 3 = 12 और 2 = 12 और 2 = 14, ये आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। दो संख्याओं का गुणा करने के लिए ये टेक्निक आपके लिए काम देंगी। अगर अपन एग्जाम में 2 2 सेकेंड 5 5 सेकेंड 10 10 सेकेंड भी बचाएंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके बता रहा हूँ, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 74 × 31 या कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ये दोनों संख्याएं। देखिएगा रूल से, इसका इसमें गुणा किया तो 4 × 4, समझ में आया। दूसरा क्रॉस गुणा, 7 × 7 और 4 × 3 = 12, देखिएगा 7 × 7 और 4 × 3 = 12, तो कितना हुआ, 7 और 12 हमारे पास हुआ 19 का 9 = 1, और 7 × 21 = 22, ये हमारे पास आंसर। आप जो पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते थे उससे और उससे ज़्यादा आसानी से हो रहा है। और अगर आप एक क्वेश्चन में अगर आप 10 सेकंड बचा पाए, 5 सेकंड बचा पाए, तो शायद आप और ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे अटेंड एग्जाम में, और आपका सिलेक्शन का गारंटी ज़्यादा रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, विशेष केवल ये वीडियो देखना है और एक दो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो मैं इसके एंड में दूंगा। आ रही बात समझ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 53 × कुछ भी ले सकते हैं आप, 84 का मैंने गुणा ले लिया, 53 × 84, नियम सेम, सीधा गुणा मतलब 3 × 12 = 2 = 1, दूसरा क्रॉस गुणा मतलब 5 × 20 और 8 = 24, 20 और 24 कितना हुआ 44 और 1 = 45 का 5, हासिल हमारे पास 4, और तीसरा 8 × 5 = 40 और 4 = 44, हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको फायदा रहेगा, क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद करिएगा, आप या एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 95 × 55 कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 95 × 55 जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, इसका गुणा सिंपल सी बात, देखिएगा 5 × 5 = 25 का 5 = 2, नेक्स्ट 9 × 5 = 45 और 5 × 5 = 75 और 2 = 72 का 2 = 7, और 9 × 5 = 45 और 7 हमारे पास हो गया 52, ये हमारा आंसर। तो कितना जल्दी हम गुणा कर पा रहे हैं, रहा कि नहीं रहा फायदेमंद। तो आपको दो संख्याओं के गुणे में केवल ये चीज़ें याद रख लेनी है तो आप शायद अपना समय बचा पाएंगे। पहली वाली ट्रिक आपको समझ में आई, ये हुआ दो संख्याओं का गुणा। लेकिन देखिए दो संख्याओं का गुणा तो अपन फिर भी कर सकते हैं, अपन तीन संख्याओं का गुणा में सर थोड़ी परेशानी आती है, तो तीन संख्या के गुणा का करके बताइए। तो ट्रिक नंबर टू में लेके चलता हूँ आपको, तीन संख्याओं का गुणा, ठीक है, तीन संख्याओं का गुणा अपन करेंगे। ट्रिक नंबर हमारे पास है 2,
ठीक है, तो देखते देखिए अपन तीन संख्याओं का गुणा किस प्रकार से कर पाते हैं, कितने इजी तरीके से कर पाते हैं। तो देखिए इसका रूल भी सेम टू सेम जो अपन ने पहले पढ़ा उसी तरीके का रूल है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि दो संख्याओं में छोटा होता है। तो देखिए इसका रूल जो होता है, ध्यान दीजिए, इसका नियम, पहला नियम जो इसमें था पहले वाले में वो का हुई। दूसरा, अगर हमारे पास दो संख्याएं जो शुरू की इधर वाली होगी तो वो की हुई दो संख्याएं। समझ में आ रही बात? बस यहां पर एक चीज ज्यादा हो गई है, ये वाली। तो इस वाले को अभी मैं केवल तीर का निशान बनाकर बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, तब आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या होता है, क्योंकि तीन अंक यहां लिखे होंगे और तीन अंक यहां लिखे होंगे, इसलिए तीनों को साथ में लेकर चल रहे। फिर यहां इधर के दोनों अंकों का गुणा और लास्ट वाले अंक का गुणा, ये पांच स्टेप है इसमें, क्योंकि तीन अंकों की संख्याओं का करना थोड़ा बड़ा होता है। वैसे भी जैसे मैं आपके सामने कोई भी एग्जांपल लेकर बता देता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3 का गुणा आपसे करना है, 2, 2, 4 कुछ भी ले सकता है आप, कोई संख्या का में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इनका गुणा करना है। तो देखिएगा किस तरीके से गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, वही नियम, ऊपर का ऊपर, तो 4 3 12 का 2 हासिल, एक साइड में लिख लीजिए। दूसरा नियम, इधर की दोनों संख्याओं का, जैसे दो वाला का रूल है, 4 2 8 और 3 2 6, 4 2 8 और 3 2 6, 8 और 6 कितना हुआ, 14 और 1 हासिल का 15 का 5 हासिल, एक अपन ने ले लेना है। तीसरा रूल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इसमें, मतलब यही संख्या लेकर चलनी है लेकिन डायरेक्ट यहां, मतलब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और ये वाला गुणा करना है। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, 4 का इधर पहले हो चुका था, इसलिए 4 1 कम 4 और 3 2 6 10 और 2 2 4, 10 और 4 14 और 1 हासिल का 15 का 5 हासिल 1। फिर वापस देखिएगा, इस संख्या को पूरा कर चुके, अब इन दोनों संख्याओं को लेकर चलना है, जैसे 2 1 कम 2 और 2 2 4, 2 1 कम 2 और 2 2 4 कितना हुआ, 6 और 1 हासिल का, इधर हुआ हमारे पास 7, हासिल कुछ भी नहीं है इसलिए हासिल को हटा दिया अपन ने। नेक्स्ट रूल है, पांचवी वाली स्टेप, इसका इसमें गुणा, 2 1 कम 2, ये हमारा परफेक्ट आंसर। एक दो क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। पहली चीज ध्यान दीजिए, मैं वापस इसमें, पहला इसी का इसमें गुणा, दूसरा इन दोनों का जो दो की संख्याओं का रूल है, तीसरा इससे हमारे पास ये वाला रूल लगा देंगे, चौथा इन दोनों का गुणा ले लेना है और पांचवा इसी का गुणा ले लेना है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखता हूँ, देखिए मैं एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते जैसे जैसे मैंने लिख लिया 5 4 2 9 2 6, कुछ भी ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या होगी कोई टेंशन वाली बात नहीं, और तीन अंकों की संख्याओं का ही गुणा ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा आपसे। ठीक है, तो देखिएगा अब अपन लिखेंगे नहीं डायरेक्टली, 6 का 2 में गुणा हुआ तो 6 2 12 का 2 हासिल 1। दूसरा आप इन ये जोड़ा लेना है, देखिएगा 6 6 24 और 2 2 4, 24 और 4 28 और 1 29 का 9 हासिल 2। क्लियर हुआ? तीसरा ध्यान दीजिए, इसका गुणा इसमें चलना है, 6 5 30 और 9 2 18, 30 और 18 48 और 4 2 8, 56 और 2 58 का 8 हासिल, हमारे पास आ गया हासिल हमारे पास 5। नेक्स्ट इधर से तीनों का जोड़ा हुआ, चौथी स्टेप हमारे पास है ये वाली संख्या, तो देखिए 5 2 10 और 9 4 36, 36 और 10 46 और 5, हमारे पास आ जाएगा 51 का 1 हासिल 5। और लास्ट स्टेप इधर का, इधर 9 5 45 और 5 50, हुआ कि नहीं हुआ आसान? अगर आप इन तीन संख्याओं को गुणा पुराने ट्रेडिशनल मेथड से करते तो लगभग आपको 2 से 3 मिनट लग जाते, लेकिन ये वाला ट्रिक आपका हमेशा काम देगा। कितना आसान हुआ, केवल आपको ये रूल पता होना चाहिए और ये रूल अगर आप उपयोग करेंगे तो ज़्यादा जल्दी से, अब इसका 2 3 सवालों में आप उपयोग ज़रूर करिएगा तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। आई बात समझ में? तीन संख्याओं वाला समझ में आया, दो संख्याओं वाला पहले दो संख्याओं वाले के 2 3 क्वेश्चन करिएगा और तीन संख्याओं वाले के फिर क्वेश्चन करिएगा, कैसे आपका ये ट्रिक काम करेगा ज़रूर करिए। मैथ्स केवल प्रैक्टिस मांगती है और अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप मैथ्स के बादशाह बन सकते हैं, आपका मैथ्स में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर आप देते हैं तो आप मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, मैथ्स पर पूरा भरोसा कर सकते हैं आप। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रिक नंबर 3। तीसरी वाली ट्रिक में
हमसे बोला गया है 9 से बनने वाली संख्या। केवल यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपका किसी भी संख्या से गुणा अगर 9 9 9 लिखा हो या 4 बार लिखा हो या 5 बार लिखा हो तो उससे गुणा किस प्रकार से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में देने वाला इस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। वो जानता है कि ये वाली ट्रिक आपने पढ़ी है या नहीं, क्योंकि इनका गुणा थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर अपन पुराने तरीके से अगर अपन करेंगे, रिलेवेंट तरीके से करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रिक बनी कैसे, ये भी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन पहले मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ कैसे हुआ ये। तो देखिए 999 को हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 582 एज इट इज़, और 999 को मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्लियर हुआ? ठीक है, आ रही बात समझ में? देखिए अब 582 का अगर 1000 में गुणा होगा तो 582 और इधर 3 शून्य। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये ट्रिकें बनी कहाँ से, इसलिए जुड़े रहें, क्योंकि बेसिक्स जानने ज़रूरी हैं। -582, क्योंकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दे दिया तो आप नहीं कर पाएंगे, केवल ट्रिक के भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? बस आप 582000 में से 582 को माइनस कर देंगे, देखिए 10 में से 2 गया तो 8, इधर बचा 9 में से 8 गया तो 1, इधर 9 में से 5 गया तो 4, चूंकि हासिल 1 इधर ले लिया था तो इधर 1 बचा है, इधर 8 बचा है, इधर 5 बचा है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ये तो हमारा था बेसिक। अब अगर आपका कभी भी इस तरीके से गुणा करने के लिए बोल जाए तो जितने 9 लिखे, हालांकि इसको अपन बोलते हैं 1000 के पास इसलिए 3 शून्य, लेकिन मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, जितने 9 लिखे उतने शून्य लगा देंगे। आपको बस यहाँ देखना है 582 गुणा कितनी बार 9 लिखा है, 3 बार 9 लिखा है, तो बस 582 के 3 शून्य लगा देनी है और जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसी को घटा देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको वैसे ही ऊपर जिसने माइनस किया पढ़ने 581418 आपका आंसर। क्लियर हुआ 9 वाला? कितना आसान ट्रिक है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखिए अपन एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया 1572 कुछ भी आ गया का गुणा हमसे बोला गया 9999 में गुणा करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी है उसके जितने 9 लिखे हैं उतने 0 लगा देंगे, क्योंकि अपन ने ऊपर कर चुके हैं बेसिक तरीका, और उसी संख्या को घटा देना है 1572, 1572 को घटा देना है। ठीक है, तीसरी ट्रिक में अपन सीखेंगे 9 से बनने वाली संख्याओं का गुणा। बहुत सारी बार इस तरीके के क्वेश्चन में देखता हूँ एग्जाम में आ चुके हैं कि और बच्चे कर नहीं पाते हैं, या जैसे आपसे 582 का 999 में गुणा करना है, तो आप अगर गुणा करना चालू करेंगे तो लगभग आपको 2 3 या 4 मिनट 5 मिनट तक लग सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से जाएंगे, या अपन ने जो पहले वाली ट्रिक 3 अंकों वाली देखी है तो उससे भी करेंगे तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसका उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। तो देखिएगा इसका क्या तरीका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, और ये ट्रिक कैसे आई वो भी बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लीजिए कि अगर आपको 582 में 999 का गुणा करना है तो कुछ नहीं करना है, 582 कितने 9 है, जितने 9 हो उतने लगा दो आप शून्य, और जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं 582 है तो आपको 582 को ही माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में से 2 गया तो 8, क्योंकि इधर से हासिल लिया, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, इधर बचा 1, 8 और 5, ये आपका आंसर। क्या इतना जल्दी कभी आप आंसर ला सकते थे? नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, या इसको मैं बता देता हूँ कैसे हुआ ये। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या प्रोसेस अपनाई गई है, जैसे 582 का गुणा आपसे 999 में करने का बोला था, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, तो 582 गुणित 999 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1000 माइनस 1। ठीक है, 999 को अपन 1000 में से 1 घटा सकते हैं, और 582 का अगर 1000 में गुणा होगा तो 582000 माइनस 582 एकम 582, तो आपका जो ये ट्रिक बना है एक्चुअली में बना है इसे, और 582000 में से 582 जाएगा तो 581418 अपन ऊपर कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो आपको इतना याद नहीं रखना है कैसे आए, तो मैंने बेसिक्स बता दिए हैं ताकि आप गलती नहीं कर पाओ, कभी कुछ संख्याएं चेंज कर दे तो।
नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू नाम दे देता हूं मैं इसको। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कोई भी संख्या दे दी आपसे, 1, 5, 6, 9, 9, 9। अब यहां पर 9 जितने भी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 3 संख्या नहीं हो तो भी चलेगा। या आपसे इतना 9, 9, 9 का गुणा करने के लिए बोल दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी है वो लिखना है। जितने 9 दिए हैं उतने शून्य लगा देने हैं। कितने 9 हैं? 5 9 है, तो 5 शून्य लगा दिए। और इसमें से किसको घटाना है? जो संख्या हमारे पास दी है उसी को घटा देना है। आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, इधर बचा हमारे पास 9, इधर बचा हमारे पास 9, इधर बचा 5, 5, 1। ये हमारा परफेक्ट आंसर। कितना जल्दी हुआ? तो आपको ये वाली ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 9, 9, 9 वाले अगर संख्या का किसी भी दूसरी संख्या में अगर आपको गुणा करना है, तो जितने नौ हो उतने शून्य लगा दीजिए और उसी संख्या को माइनस कर दीजिए। एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, फिर आप करके बताइएगा। जैसे मैंने लिख लिया 5,665 का गुणा 9, 9, 9, 9 में, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5,665 जितने 9 लिखे हैं उतने शून्य लगा दीजिए और उसी को माइनस कर दीजिए। 5,665 को अपन ने क्या करना है, इस संख्या में से माइनस कर दिया। क्लियर है? 10 में से 5 गया तो 4, इधर बचा 9 में से 6 गया तो 3, इधर 9 में से 6 गया तो 3, इधर 9 में से 5 गया तो 4, और चूंकि इधर से हासिल लिया था इधर बच गया 4, 6, 6, 5। ये हमारा आंसर परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो 3 ट्रिक मैं बता चुका हूं आपको यहां पर गुणे की। 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा, ठीक है, 3 संख्याओं का गुणा, और तीसरा 9, 9, 9 वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं देता हूं आपको, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखकर बताने हैं अपनी इन ट्रिक से। ठीक है, प्लीज करके जरूर देखिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे मैं तीनों ट्रिक से आप करिएगा। जैसे मेरे पास पूछ लिया आपसे 75 × 96 का गुणा, पहला वाला क्वेश्चन पहली वाली ट्रिक से करिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन 573 × 257 का गुणा, और तीसरा आपसे पूछ लिया 259 का गुणा 9, 9, 9, 9 में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन 3 ट्रिक से हैं, आप जरूर करके देखिए और कितना जल्दी कर पाते हैं, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और भी बहुत ही मजेदार मजेदार ट्रिक मैं आपके लिए बताऊंगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इससे पहले मैं एक वर्ग की ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना चुका हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी जाकर जरूर देखिएगा। और गुणे वाली ट्रिक आपके पास कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताइए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।